चावल 500 रुपए किलो और राशन की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें, बत्ती गुल क्योंकि पावर प्लांट चलाने के लिए ईंधन खरीदने तक का पैसा नहीं बचा, बच्चों की किताबें छापने में भी दिक्कत हो रही है। बदहाली का आलम यह है कि लोग भागकर भारत आ रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क, अरे नहीं वो नहीं, हमारे और भी कई पड़ोसी हैं, श्रीलंका इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। माना कि पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों ने हमारे पसीने भी कम नहीं छुड़वाए, लेकिन आपको जानकर यह हैरत होगी कि इस वक्त एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई श्रीलंका में ही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अब चरमरा चुकी है। वहां आवश्यक वस्तुएं भी सेना की मौजूदगी में वितरित की जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? आइए जानते हैं कि दिवालियेपन की कगार पर खड़े श्रीलंका की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और श्रीलंका के बुरे दिन कब से शुरू हो गए थे। वैसे वजह एक नहीं कई हैं, लेकिन पहली वजह में गिना जा रहा है कोविड, और कोविड की वजह से लगातार गिरता श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार। दरअसल श्रीलंका की जीडीपी में बड़ा योगदान वहां के टूरिज्म सेक्टर का है। जाहिर है कोरोना महामारी में यह सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 बिलियन डॉलर का था, पिछले साल जुलाई में ये गिरकर 2.8 बिलियन डॉलर पर आ गया। एक बड़ी वजह माना जा रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स पर लगे बैन को। दरअसल पिछले साल श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने खेती में किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग पर बैन लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि खाद्य उत्पादन बहुत तेजी से घटा और श्रीलंका में खाद्य संकट गहराने लगा। एक बड़ी वजह टैक्स में की गई कटौती को भी माना जा रहा है। किसी भी सरकार की आय का सबसे बड़ा सोर्स होता है इनकम टैक्स, लेकिन पिछले साल राजपक्षे सरकार ने आम आदमी की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए टैक्स में काफी कमी कर दी, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ। आर्थिक तंगी, ऊपर से कर्ज का बोझ, श्रीलंका की एकमात्र चुनौती इस वक्त चल रहे आर्थिक संकट से निपटना ही नहीं बल्कि अपना कर्ज चुकाना भी है। 2022 में श्रीलंका को 7 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। इसमें से 5 अरब डॉलर तो सिर्फ चीन का ही कर्ज है। वही चीन जो दोस्त बना घूम रहा था, उसने अब श्रीलंका से मुंह मोड़ लिया है। भारत और जापान का भी श्रीलंका पर काफी कर्ज है। रही सही कसर युद्ध ने पूरी कर दी। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग का भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर और खराब असर हो सकता है। इसकी दो वजह हैं। पहली ये कि यूक्रेन श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा खरीदार है। दूसरी वजह ये कि रूस और यूक्रेन से कई पर्यटक श्रीलंका आते हैं। जाहिर है युद्ध के माहौल में नहीं आएंगे। अब देखना यह है कि श्रीलंका पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला पाता है या नहीं। वहां विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रपति और सरकार अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं।